सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये मैं एक फार्म में जाने वाला हूँ, एक नया फार्म जो फार्म में कैजुअली जाता हूँ वो वाला फार्म में मैं आज नहीं जाने वाला हूँ। मैं एक नया फार्म में जाने वाला हूँ जिसका बहुत अच्छा फार्म है, वहाँ पर ज़्यादातर काप मिलता है, मिल्की भी मिलता है, बहुत सारे फिश मिलता है। और सो गाइस, उस फार्म में मैं जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या फिशेस है और सब कुछ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना वैरायटीज ऑफ फिशेस है और आरवाना भी है और यहाँ वहाँ पे बहुत बड़ा पॉन्ड भी है। सो उससे भी बड़ा हम लोग पॉन्ड बनाएंगे। सो वो पॉन्ड कैसे बनाएंगे वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। सो उसको भी देख के आएंगे कि कैसा पॉन्ड है वहाँ पर, कैसा तरीके से बनाया, फिल्ट्रेशन कैसा है। सो गाइस, अभी देख सकते हो मैं फार्म में आ गया हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत एंट्री है यहाँ पे और ये एक्सपोर्टर भी है, ये बार बार माल एक्सपोर्ट करते हैं बार बार बहुत दूर दूर। यहाँ पे जो कार्टून देख रहे हो इसके अंदर सब कुछ माल है और ये दूर दूर तक एक्सपोर्ट होता है, ट्रेन से, प्लेन से और या आस पास में गाड़ी से भी एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत बड़ा इन लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे देख सकते हो काप्स है, मिल्की है, काप्स है ब्लैक कलर का, येलो कलर का, बड़ा एक कार्प है, ये 1.5 फुट का काप होगा। यहाँ पे छोटा छोटा कार्प है, सब ये माल बाहर जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा मॉली फिश है, फिर शार्क है, सो सब कुछ है। और यहाँ पे ज़्यादातर अब लोग देख सकते हो कार्प है। और आज मैं थोड़ा मिल्की खरीदूँगा एक और थोड़ा छांट खरीदूँगा जिसको फिश फीडिंग के लिए। सो गाइस, अभी यहाँ पे देख सकते हो नीचे कितना सारा फिश है। या ये शायद से छोटा ये वीडो है शायद से, और ऊपर में छोटा छोटा वो वाला कैटफिश का नाम मैं भूल गया। सो ये देख सकते हो यहाँ पे कैटफिश, और यहाँ पे अंदर देख सकते हो पूरा माल रेडी हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो सब पैकेट का अंदर दवाई दिया है क्योंकि बहुत दूर दूर यहाँ पे है, एंजल भी है पास में। और यहाँ पे एक फिश है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, वो शौक के लिए रखा है, वो बिक्री नहीं है। सो अभी वहाँ वो फिश आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस, इसका नाम रेड डेविल है, फ्लावर ऑन नहीं है, सो इसका नाम रेड डेविल है। सो देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और ग्रो, बहुत बड़ा फिश है, शायद से ये 12-13 इंच का होगा फिश, तो बहुत लंबा है। और इन दोनों टैंक में नहीं है, नीचे एंजल है छोटा छोटा, और पास वाले जो टैंक है वहाँ पे आरवाना है दो, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि आरवाना है, तो यहाँ पे एक बड़ा वाला आरवाना है और एक छोटा वाला आरवाना है, और थोड़ा फीडिंग फिश भी यहाँ पे दे रखा है काफ़ी खाने के लिए। सो ये बड़ा वाला आरवाना 2 फीट का होगा और छोटा वाला आरवाना 9-8 इंच का होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो कार्प ही कार्प है, और पास में पॉन्ड है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, इस टाइप का हम लोग भी पॉन्ड बनाने वाले हैं। तो कितना ज़्यादा सुंदर है अब लोग देख सकते हो ये वाला पॉन्ड। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, 2 फिल्टर है इस छोटे वाला पॉन्ड में। तो आइडिया से लगता है 6 फुट बाई 6 फुट हो सकता है ये पॉन्ड। देख सकते हो 2 फिल्ट्रेशन सिस्टम है यहाँ पे, तो इसलिए पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी गंदगी नहीं है, बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम है। और साइड में आप लोग को और भी एक्वेरियम है यहाँ पे, सब लोग देख सकते हो साइड में भी यहाँ पे पॉन्ड है, छोटा छोटा पॉन्ड है। यहाँ पे कार्प है, यहाँ पे कार्प आप लोग को अभी नहीं दिखाई होगा, तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे कार्प है, अंदर पूरा काला है इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, मगर बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्प है। तो अभी आप लोगों को मिल्की खरीदूँगा, जो मिल्की मैं खरीदूँगा वो आप लोगों को अभी दिखाते हैं। और तब तक आप लोग ये वाला व्यू पूरा देख लो, कितना सारा पैकेट है और यहाँ पे अंदर एक बड़ा मिल्की है। सो वो हम लोग खरीदने जा रहे थे मगर नहीं खरीदे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा एक्वेरियम नहीं है, और ऊपर से जो बड़ा वाला एक्वेरियम है वहाँ पर मॉन्स्टर फिश है बहुत सारा, इसलिए नहीं रख सकते। और छोटे वाले एक्वेरियम में अगर रखेंगे तो वो एक्वेरियम तोड़ भी सकता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा हमारे पास एक्वेरियम। और ये जो मछली है वो बहुत ज़्यादा बिग साइज़ का है, 1.5 फुट का होगा, जो अभी नहीं खरीदेंगे इसको, बाद में जब पॉन्ड कर लेंगे। ये देख सकते हो ये वाला मिल्की है, ये अभी निकला है,
ये जो मिल्की है ये वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा छोटा, मगर रियल में बहुत ज़्यादा बड़ा था, बिग था। सो अभी मैं जो ये साइड वाला पॉन्ड भी मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारा पॉन्ड है। यहाँ पे देख सकते हो चिकलेट है, बहुत कलर्स का चिकलेट है, और यहाँ पे कार्प है, मॉली है, बहुत सारे फिश है। ये इसका भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसका थोड़ा गंदा है। यहाँ पे कार्प है छोटा छोटा, तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे भी गंदा है थोड़ा, और पास में जो आप लोग पॉन्ड देख सकते हो वो एकदम ही क्लीन है। सो बहुत ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा क्लीन है, दो फिल्टर है। सो ये 6 फुट, और हम लोगों का तो थोड़ा बड़ा है, 13 फुट बाई 6 फुट। सो वहाँ पे 3 फिल्टर लगेगा शायद से। सो जब मैं फिल्ट्रेशन बनाऊँगा, होममेड फिल्ट्रेशन ही बनाऊँगा, क्योंकि कैनिस्टर फिल्टर जो है वो बहुत ही कॉस्टली मिलता है, इसलिए होममेड फिल्ट्रेशन बनाऊँगा और पॉन्ड भी बनाऊंगा। सो उन लोगों का भी सब सेपरेट वीडियो आएगा, वो भी दिखाऊंगा। सो आई सभी हम लोग को दिखाते हैं जब कार्प खरीद के घर पे जाके आप लोगों से फिर बात करते हैं। गाइस अभी देख सकते हो मैं घर पे आ गया हूँ, और ये वाला फीडिंग फिश में लाया हूँ, छोटा छोटा मिल्की है। ये वाला हम लोग को दिया 4 रुपये पीस करके, 50 पीस है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लो कितना होता है। और यहाँ पे है मिल्की, एक ही में मिल्की लिया। अभी इसको एक्लीमेट करने के लिए रखेंगे, आधा घंटा रख देंगे, फिर इसको हम लोग छोड़ेंगे, वो दिखाऊंगा आप लोगों को छोड़ के कि कैसा दिखता है। और अभी तो इसको एक्लीमेट करने के लिए रखते हैं, और फिर आप लोगों को बाद वाला मॉली जो फीडिंग फिश लाया वो बाल्टी में रखूँगा वो फीडिंग के लिए। और जो फीडिंग वीडियो है वो मैं कल छोड़ूंगा, तो आज मंडे है, सो ट्यूसडे में ये वीडियो वाला वीडियो मैं छोड़ूंगा। सो डेट भी मैं बता दे रहा हूँ, सो डेट 31 जैन होगा। सो तब ये वीडियो आएगा, और 1 तारीख को फीडिंग वीडियो आएगा, सो वो भी ज़रूर से देख लेना। सो फिलहाल तो अभी जो फीडिंग फीस है वो अभी जो बाल्टी है वहाँ पे डालते हैं। तो देख सकते हो मैं बाल्टी में अभी डाल दूँगा 50 पीस। सो वो अब तक तो बहुत सारा खा लिया है, उसको बाल्टी में डाल दिया है। सो अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि फीडिंग कैसा लेता है। और गाइस अभी मैं मिल्की भी छोड़ दिया है, आधा घंटा हो गया था इसलिए मिल्की छोड़ दिया है। तो कैसा लगा सब्सक्राइब बता देना, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।